फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने एक घोषणा किया है। जुकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक कंपनी का नाम मेटा होगा। घबराइए नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेसबुक ऐप का नाम नहीं बदल रहा है, यह आपके मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप पर फेसबुक नाम से ही चलता रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक को मेटावर्स कंपनी के तौर पर पेश करने के लिए यह रीबाउंडिंग की जा रही है। फेसबुक ने इसी महीने की शुरुआत में सोशल नेटवर्क को मेटावर्स बनाने में मदद के लिए 10,000 लोगों को काम पर रखने की बात कही थी। मेटावर्स दरअसल एक वर्चुअल दुनिया है, जहां एक आदमी फिजिकली मौजूद नहीं होते हुए भी मौजूद रह सकता है। इसके लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि फेसबुक की रीबाउंडिंग के जरिए विभिन्न सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑक्यूलस आदि को एक साथ लाया जा सकता है। फेसबुक की ओर से यह ऐसे वक्त में बदला गया है जब कंपनी के ऊपर कई देशों में ऑनलाइन सुरक्षा, भड़काऊ कंटेंट को नहीं रोकने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारत सरकार की ओर से भी फेसबुक को खत भेजकर सोशल मीडिया पर कंपनी की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिदम और प्रक्रियाओं का विवरण मांगा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि फेसबुक के पूर्व सिविक इंटीग्रिटी चीफ समित चक्रवर्ती ने कंपनी को मेटा नाम का सुझाव दिया था। इससे पहले भी फेसबुक ने साल 2005 में भी अपना नाम द फेसबुक से बदलकर फेसबुक कर लिया था। फेसबुक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग करते हैं, जबकि भारत में 41 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।